उसी सेल के अंदर कर दिया। वन बाहर नहीं, वन तो दूसरे सेल में था ही। आप नहीं समझे, आइए बात समझिए। आपका यहाँ अभी दोनों सेल खाली है, कोई डाउट है? मैंने यहाँ टाइप किया सुनील कुमार सिंह, तो ये लिखा बगल की प्लॉट खाली है। तो जब बगल की प्लॉट खाली होते हैं तो कचरे लोग वहां फेंक देते हैं जा। लेकिन उसमें अगर बाउंड्री वॉल हो जाए और एक रूम खड़ा हो जाए, उसी की हिम्मत करेगी जो वहां कचरा डाले? तो आपको क्या करना है कि जब तक सेल में, अगले सेल में कोई डेटा नहीं है तो यह सेल उसमें दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही अगले सेल में आप डेटा इनपुट कर देते हैं तो वह छिप जाता है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट मीन तो मतलब अपनी बाउंड्री तोड़ के अपने आप को नीचे एडजस्ट करो। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? खत्म कीजिए सर। लेकिन अगर हम एक सेल का साइज बढ़ाएंगे तो मेरा पूरा ऊपर का डेटा हैम्पर करेगा। अभी अटेंडेंस में मान लो किसी का नाम सुनील कुमार सिंह है, अगर उसको हम एडजस्ट करेंगे तो मेरा पूरा अटेंडेंस सीट हैम्पर करेगा कि नहीं? क्योंकि अटेंडेंस सीट हर हालत में बॉस को एक ही पेज पर चाहिए होगा। आप खुद सोचिए कि मैं आपको अटेंडेंस दू, ऐसे अटेंडेंस दू, अच्छा 15 तारीख तक ऐसे है, किसका है, किसका है, हार देगा बॉस, हाँ या ना? तो अटेंडेंस सीट एक में दीजिए, 1 से 30, इसीलिए उसको पतला करके सिखाए, हाँ या ना? अगर आपकी का रिपोर्ट कार्ड 12 सब्जेक्ट है, एक इधर है एक इधर है, तो आपको पकड़ने में बनेगा ही नहीं। यहाँ ना 5 सब्जेक्ट में सीधा पकड़ लेते हैं, तो कई आउटपुट्स हर हालत में 100% एक ही पेज पर चाहिए। इसीलिए एक्सेल की प्रिंटिंग सीखना भी बहुत बड़ा हुनर है। आई विल डेफिनेटली टॉच यू। एनी डाउट? विदाउट प्रिंटर? आई एम सॉरी गाइस, द टाइम इज अप।